शुरुआत करते हैं आज। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स समान क्या होगा? बात सोच लीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन को जितना फास्टली सॉल्व करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट, क्योंकि एग्जाम में आज तक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो टाइम स्पेंड क्वेश्चन आ रहे हैं, समय अधिक लगता है क्वेश्चन को करने की बात है। हमें समय की ज्यादा से ज्यादा बचत करनी है, कम से कम समय लगाना है किसी क्वेश्चन को करने, अगर किसी टेस्ट को क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा? एक्स प्लस वन अपॉन का एक्स समान वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है वही होता है, ठीक हो गया। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तीन का वर्ग कर दीजिए और दो माइनस कर दीजिए, तीन से का नौ माइनस देना है, क्यू का मान पूछ लिया तो तीन का क्यू कर लीजिए और इसका माइनस कर दीजिए, तीन से का नौ की सत्ताईस हो गया और तीन से का नौ हो गया अठारह, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते पूछेगा तो, लेकिन आपको अभी जानकारी तो है नहीं है कि मैं कहां से प्रोसेस कर रहा हूं, समझ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो यहां जब हम निकालेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा? सबसे पहले हमारे लिए वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वन, एक्स कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस थ्री माइनस वन, एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, यहां से वैल्यू मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये नजर आ गया होगा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान थ्री आया, तो कहने मतलब जब भी इस टाइप की सिचुएशन में क्वेश्चन दिया जाएगा, इस टाइप कंडीशन में दिया जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा, थ्री की जगह फोर कर देगा, फोर की जगह फाइव कर देगा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो मतलब कहने का मतलब है कि इन सभी में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान वही आएगा जो बीच में संख्या लिखी हुई है, तो आप जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपने मैंने एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान निकाल लिया, अब मुझे स्क्वायर निकालना है एक्स स्क्वायर, तो आपने बताया होगा तो वन करने पर कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री का स्क्वायर, तो जहां हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, तीन में का नौ हो गया एक्स एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया नाइन माइनस टू, नाइन माइनस टू सेम ही आ रहा था, समझ लो इस चीज। अब दूसरे कंडीशन में देख लीजिए, अब जैसे मुझे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब कर देंगे, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मान कितना था आपका थ्री था, थ्री का क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ पे क्यूब दिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी पूछ तक में ए प्लस बी, इसका क्यूब दिया तो कितना आ गया आपका सत्ताईस, ये एक्स एक्स कट गया, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब क्या हो गया आपका थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स समान कितना दे रखा था, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स समान आपने निकाला था थ्री इंटू थ्री सत्ताईस, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो गया सत्ताईस माइनस नौ, तो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका सत्ताईस माइनस नौ हो गया तो अठारह आ गया, तो यहां से आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स समान निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर समान निकला, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू समान निकला। अब इतना बड़ा फॉर्मूला तो हम वहां लगाएंगे नहीं, वहां इसका भी प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान जो भी आ रहा है वर्ग पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का क्या मान होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर कीजिए दो माइनस कर दीजिए, एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स का मान पूछा आ गया है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल की दीजिए तीन माइनस कर दीजिए, देखिए ऐसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यू माइनस थ्री ए थ्री क्वेश्चन है,
बस इन कंडीशन से ही आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स कुछ रहा है। तो मतलब आप इस टाइप की प्रोसेस करके भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे कर सकते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का कितना माइनस करना है यहाँ पे, यहाँ दो माइनस करना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान बीच वाला संख्या होता है